चलिए तो आज हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग करेंगे, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का ना, या डिफ्रैक्शन का। इम्पोर्टेंट है तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर समझते हैं इसको। व्हाट इज डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग? डिफ्रैक्शन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ड्यू टू डिफ्रैक्शन ऑन ग्रेटिंग। ऑल्सो गिव द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न इन डिफ्रैक्शन ड्यू टू ग्रेटिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लीजिए, उसके बाद इसको समझते हैं। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एक्चुअल में क्या होता है? अभी हमने सिंगल स्लिट पढ़ा, डबल स्लिट पढ़ा। अगर हमारे पास एन स्लिट का अरेंजमेंट है, कैपिटल एन है ना, एन स्लिट का अरेंजमेंट है, उसको हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग कहते हैं। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में होता क्या है, एक प्लेन ग्लास प्लेट होती है, सामने ये इमेज भी बन रही है आपके, प्लेन ग्लास प्लेट होती है, उसके ऊपर डायमंड के पॉइंट से लाइंस ड्रॉ की जाती है, पैरेलल लाइंस ड्रॉ। तो जो लाइन होती है वो स्लिट होती है, एक लाइन मतलब एक स्लिट करते हैं कि स्लिट डायमंड से लाइन ड्रॉ करते हैं, तो जो उसकी लाइन होगी उसकी विड्थ कांस्टेंट होगी, ई बोलते हैं उसको हम, स्लिट विड्थ। हर एक लाइन के बीच में जो सेपरेशन है वो भी कॉन्स्टेंट रखते हैं, डी मतलब, और लाइन्स ड्रॉ करते रहते हैं पूरे ग्लास में जितना भी हमारा स्लिट होता है। यहाँ पे जो स्लिट है उसको आप देखिए उस पर क्या लिखा हुआ है, 15,000 लाइंस पर इंच, मतलब एक इंच में 15,000 लाइन है। तो नेक डाई से हमें प्लेन ग्लास ही दिखाई दे रहा है सामने, लेकिन इतने से एरिया में सिर्फ एक इंच में 15,000 लाइंस ड्रॉ कर रखी हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग या प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या है, एन स्लिट्स हैं। अ प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज अ अरेंजमेंट ऑफ क्लोज पैरेलल प्लेट ट्रांसपेरेंट इक्विडिस्टेंस स्लिट। It may be constructed by ruling a large number of parallel and equidistant lines on a plain glass plate with the help of diamond point. Diffraction grating has high dispersive power. तो ये लिख लीजिएगा क्वेश्चन, और उसके बाद आंसर भी लिखना स्टार्ट करिएगा। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की डेफिनेशन लिख लीजिएगा, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है क्या और कैसे फॉर्म होता है। तो जब आप लैब में आएंगे तो आपको लैब में डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इस तरीके का आपके हाथ में एक स्लिट दिया जाएगा। Yes, ma'am. चलिए चलिए तो नेक्स्ट करते हैं। अब पहले जो है स्पीकर को समझ लेते हैं, है ना। लैंग्वेज इसमें बहुत ज्यादा नहीं लिखवाऊंगी क्योंकि फिर और लेंथी हो जाएगा डेरिवेशन, आप खुद देखोगे कि बस लिखते ही रहोगे आज आप, है ना। तो जो है इसलिए इसकी ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिखवाऊंगी, इस स्पीकर को समझ लेते हैं। इसके हमने बाकी पार्ट नहीं बनाया है, सिर्फ स्लिट्स का, कॉन्वेक्स लेंस का और स्क्रीन का पार्ट बनाया है। तो हमारे पास एन स्लिट है, तो पहली स्लिट है S1, S2, S3, डैश डैश डैश, लास्ट वाली है स्लिट हमारी S1, और इससे पहली स्लिट होगी SN-1। जो लाइट डिफ्रैक्ट नहीं हो रही, जिसका या कह दीजिए डिफ्रैक्शन एंगल जीरो है, वो पी नॉट पॉइंट पे फोकस होती है, हमने वो रे भी नहीं बनाई है। हमने सिर्फ कौन सी रे बनाई है, जो थीटा एंगल से डिफ्रैक्ट हो रही है और P1 पॉइंट पे फोकस हो रही है। सिंगल स्लिट से जो बीम निकलती है उसका एम्पलीट्यूड, जो थीटा एंगल पे डिफ्रैक्ट होती है, उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हम सिंगल स्लिट में कैलकुलेट कर चुके, R = A sin alpha upon alpha। क्योंकि ये सारे स्लिट सेम विड्थ की हैं, सबकी विड्थ E है, इनके बीच का जो सेपरेशन है सबका वो D है, तो हर एक से जो एम्पलीट्यूड जाएगा वो कॉन्स्टेंट होगा। तो सबसे जो एम्पलीट्यूड जा रहा है थीटा एंगल से वो हमारा R = A sin alpha upon alpha है। अब हमारे पास टोटल कितनी स्लिट्स हैं, कैपिटल एन, ठीक है, तो यानी एनी बीम्स हो गई हमारे पास। हर एक बीम थीटा एंगल से डिफ्रैक्ट हो रही है और हर एक का एम्पलीट्यूड R = A sin alpha upon alpha है। तो हम क्या करेंगे, टू सक्सेसिव या टू कंसेक्यूटिव बीम्स के बीच में
फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्या करेंगे उसको कैलकुलेट करने के लिए, पहले पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। तो S1 से जो बीम डाली है उससे हम परपेंडिकुलर डालेंगे S1 M1, तो इन दोनों बीम्स के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, S1 और S2 के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, बिल्कुल डबल स्लिट वाला केस दिख रहा है ना, यहाँ से थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल डिफ्रैक्ट होके जा रही है, ये परपेंडिकुलर है, 90 है, 90 माइनस थीटा, ये थीटा है, यहाँ पे बीच का जो सेपरेशन हो जाएगा ई प्लस डी हो जाएगा। तो जब पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना आएगा, एस टू एम वन, और वहां पे हम कैलकुलेट कर चुके हैं वो कितना आता है, ई प्लस डी साइन थीटा। सिमिलरली हम S2 S3 के बीच में पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे, फिर यहाँ से क्या करेंगे, S2 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे SM2। तो S2 S3 के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, S3 M2। सेम यहाँ पर भी यही ट्रायंगल यूज करोगे, S2 S3 M2, यहाँ पे वाला एंगल थीटा होगा, तो ये भी हमारा E प्लस डी साइन थीटा आएगा। डैश डैश कर रही हूँ, तो अगर आप लास्ट वाला देखो यानी एस एन माइनस वन और एस एन के बीच में भी पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करो, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे एम एन माइनस वन, तो हमारा एस एन माइनस वन और एस एन के बीच में जो पार्ट डिफरेंस आएगा वो आएगा एस एन एम एन माइनस वन, और ये भी हमारा ई प्लस डी साइन थीटा होगा। मतलब हर एक स्लिट के बीच में जो पार्ट डिफरेंस आ रहा है, टू कंसेक्यूटिव स्लिट के बीच में जो बीम्स जा रही हैं उनमें पार्ट डिफरेंस आ रहा है, वो हमारा ई प्लस डी साइन थीटा ही आ रहा है। लाइन से देखिए, अगर इनके बीच में फेज डिफरेंस कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, टू पाई बाय लैम्डा इनटू पार्ट डिफरेंस ई प्लस डी साइन थीटा। तो हर एक में करेंगे सबका फेज डिफरेंस यही आएगा, इसको हमने टू बीटा कह दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास देखिए, टू कंसेक्यूटिव रेज के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो टू बीटा है, टोटल एन वेव्स हैं हमारे पास, हर एक का एम्पलीट्यूड आर इक्वल टू ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा है, तो पी वन पॉइंट पे हम एम्पलीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, कौन सा फॉर्मूला होगा जिससे हम पी वन पॉइंट पे एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करेंगे, तो क्या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करा रखा है कई बार, आर डैश इक्वल टू एम्पलीट्यूड ए साइन एन डेल बाय टू अपॉन साइन डेल बाय टू, वेयर एन क्या है, नंबर ऑफ वेव्स, यहाँ पर वो कैपिटल एन है, डेल फेज डिफरेंस टू के बीच में वो यहाँ पर टू बीटा है, ए एम्पलीट्यूड यहाँ पर आर है, ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा है ना, एम्पलीट्यूड यहाँ पे ए की जगह कैपिटल आर है और आर की भी वैल्यू ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा है। तो क्या करेंगे हम, पी वन पॉइंट पे एम्पलीट्यूड कैलकुलेट कर लेंगे, एम्पलीट्यूड आ जाएगा तो इंटेंसिटी आ जाएगी, फिर कंडीशन फॉर मैक्सिमम और मिनिमम देखेंगे। तो P1 पॉइंट पे जो इफेक्ट है वो सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन की वजह से है, प्लस हर एक जो वेव निकल रही है उनकी सुपरपोजिशन का जो कंबाइंड इफेक्ट है, यानी इंटरफेरेंस का जो कंबाइंड इफेक्ट है, वो हमें P1 पॉइंट पे मिलता है। चलिए इसको बनाइए डायग्राम में, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है एक्स्ट्रा उनको हटा देती हूँ जो आपको नहीं करना, बस आपको ये फिगर बनानी है और यहाँ से स्लिट्स के नाम लिख देने हैं, बस इतना ही करना है। इससे पहले कितना करा दिया था मैंने, इससे पहले सिर्फ डेफिनेशन लिखवाई है ग्रेटिंग की, S1, S2, S3, S4 डैश डैश डैश, Sn माइनस वन और Sn स्लिट्स हैं और ये परपेंडिकुलर है M1, M2 और लास्ट वाला Mn माइनस वन, हर एक वेव थीटा एंगल डिफेक्ट होती और विड्थ की है स्लिट की और इनके बीच का सेपरेशन डी है, बस इतना बनाइएगा। मैम हो गया, चलिए तो स्लाइड करते हैं। अब थ्योरी है जो भी बताया कि सीन्स प्लेन रिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज द एन स्लिट अरेंजमेंट, द डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू इट विल कंबाइन इफेक्ट ऑन द ऑल स्लिट्स, लेट पैरेलल कोलिमिनेटिंग बीम और मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इंसिडेंट नॉर्मली ऑन एन पैरेलल स्लिट, ईच ऑफ ई सेपरेटेड बाय ऑब्ट्यूस डिस्टेंस डी, द सम ऑफ ई प्लस डी इज नोन एज ग्रेटिंग एलिमेंट। तो इसकी ये थ्योरी नहीं लिखवा रही हूँ कि परपेंडिकुलर आ रहा, हर एक का पार्ट डिफरेंस इतना आ रहा है, फिर फेज डिफरेंस ही आ रहा है, हम कंबाइंड लिख देंगे है ना, वरना फिर बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इतना लिखिए, फिर इसके आगे करते हैं।
पर बस मैंने ये बताया कि पीछे जो मैंने समझाया है वो नहीं लिखवा रही हूँ, वरना फिर बहुत लेंथी हो जाएगा, है ना। मैंने ये पूरी पीपीटी ही होती लिखने के लिए। तो जो मैंने बताया कि S1 से S1 परपेंडिकुलर डाला, S1 N1, S2 N2, फिर हमने उनके बीच में पार्ट डिफरेंस देखा, तो वो सब नहीं लिखवाया, बस वो वहाँ पे समझाने दिया था और बता दिया कि सबके बीच में जो पार्ट डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है, फेज डिफरेंस भी सेम आएगा, तो फिर वो लिख लेंगे वहां से। हो गया मैम? हो गया, चलिए तो आगे करते हैं। ठीक है, कंसीडर दैट ईच स्लिट इन अ ग्रेटिंग इज इक्विवेलेंट टू इंडिविजुअल कोर एंड सोर्स व्हिच इज प्लेस्ड एट द मिडिल ऑफ द ईच स्लिट सेंडिंग अ सिंगल वेव ऑफ एम्पलीट्यूड ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा। तो सिंगल स्लिट की वजह से एक स्लिट जो एम्पलीट्यूड भेजती है वो हमारा ये भेजती है आर इक्वल टू ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा, वो हम सिंगल स्लिट में कैलकुलेट कर चुके हैं, इन डायरेक्शन थीटा, वेयर अल्फा इक्वल टू पाई अपॉन लैम्डा ई साइन थीटा, ये भी हम सिंगल स्लिट में कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, द पार्ट डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव और सक्सेसिव स्लिट इज गिवन बाय ई प्लस डी साइन थीटा, और फेज डिफरेंस आ जाएगा 2π/λ इनटू पार्ट डिफरेंस, यानी 2π/λ ई साइन थीटा ई प्लस डी साइन थीटा, और इसको हमने 2β बोल दिया। तो अब हमारे पास क्या है, स्मॉल एन मतलब वाइब्रेशन, हमारे पास कैपिटल एन है, कैपिटल एन रेज है क्योंकि एन स्लिट है हमारे पास, डेल फेज डिफरेंस हमारे पास 2β है, एम्पलीट्यूड स्मॉल ए हमारे पास कैपिटल आर है और वो भी कितना है कैपिटल ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा। ठीक है, सो आर डैश इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए साइन n del by 2 upon sin del by 2, r dash equal to a की जगह क्या रख सकते हैं r sin n की जगह capital n, del की जगह 2β upon 2 upon sin 2β upon 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो r डैश हो जाएगा हमारा r साइन n बीटा अपॉन साइन बीटा, और r की भी वैल्यू रख सकते हैं आप। ठीक है, तो r की वैल्यू हो जाएगी आपकी a साइन अल्फा अपॉन अल्फा साइन n बीटा अपॉन साइन बीटा, इक्वेशन 3। एम्पलीट्यूड आ गया तो इंटेंसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है, तो इंटेंसिटी हो जाएगी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। अब इसमें ध्यान से देखिए कि हमारी ये जो पहली टर्म है ये वाला हम सिंगल स्लिट में एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, सिंगल स्लिट की डिफ्रैक्शन की वजह से ये टर्म आती है, इसकी मैक्सिमा मिनिमा सेकेंडरी मैक्सिमा की कंडीशन हम निकाल चुके हैं, डबल स्लिट में भी लिख चुके हैं, तो इस टर्म को हम दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सिर्फ इतना बताएंगे कि डिफ्रैक्शन की वजह से सिंगल स्लिट की ये टर्म आती है, कुछ नहीं लिखेंगे अब इसके बारे में, मेरा मतलब ये है, अदरवाइज ऑल लेंथी हो जाता है। ये वाली टर्म हमारे लिए नहीं है, तो इसकी इंटरफेरेंस की वजह से आई है एन स्लिट के, है ना, तो इसकी कंडीशन फॉर मैक्सिमा मिनिमा और सेकेंडरी मैक्सिमा निकलेंगे। ठीक है, तो इतना लिखिए इक्वेशन 4 तक, फिर इसको आगे करते हैं। हो गया मैम? सबका हो गया? हाँ, इतनी जल्दी मुझे लगता है नहीं है, क्या कर रहे हो तुषार? नहीं मैम, लिखा है पूरा। अच्छा, चलिए तो मैं इसको चेंज कर रही हूँ। ठीक है, इक्वेशन 4 तक आ गया, अब हम क्या करेंगे, यही बताएंगे कि फर्स्ट टर्म तो हमारी किस वजह से है, डिफ्रैक्शन की वजह से है सिंगल स्लिट की, और सेकंड टर्म हमारी इंटरफेरेंस ड्यू टू एन स्लिट की वजह से है। तो फैक्टर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर गिव द इंटेंसिटी पैटर्न ड्यू टू सिंगल स्लिट, व्हाइल द फैक्टर साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी ड्यू टू इंटरफेरेंस फ्रॉम ऑल एन स्लिट्स। क्या करेंगे, ये वाली टर्म हम ऑलरेडी सिंगल स्लिट और डबल स्लिट में एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो अब इसको एन स्लिट में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस टर्म के लिए मैक्सिमा और मिनिमा और सेकेंडरी मैक्सिमा की कंडीशन देखेंगे। तो सबसे पहले मैक्सिमा की कंडीशन बात करते हैं, ये टर्म कब मैक्सिमम वैल्यू देगी, जब ये वाली टर्म
मिनिमम होगी, है ना, साइन स्क्वायर बीटा वाली टर्म. तो द पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा, द डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा गिवन बाय व्हेन साइन स्क्वायर बीटा या साइन बीटा इक्वल टू जीरो. अगर ये जीरो है तो ये टर्म मैक्सिमम हो गया. बीटा इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई. बट अगर बीटा साइन बीटा जीरो है तो साइन एन बीटा भी जीरो होगा, क्योंकि क्या है, एन बी कैपिटल एन बी तो नंबर ही है, तो उसका मल्टीपल हमेशा ये जीरो ही देगा, तो जीरो पॉइंट जीरो ही रहेगा, विच इज इंडिटरमिनेंट. ऐसी कंडीशन को कैसे सॉल्व करते हैं, जीरो पॉइंट जीरो कैसे सॉल्व करेंगे, एच हॉस्पिटल रूल से. पढ़ा है? यस मैम, अभी याद आया. याद आया, क्या करते हैं उसमें, डिफरेंशिएट. हाँ, डिफरेंशिएट करते हैं ऊपर वाली टर्म को भी और नीचे वाली टर्म को भी डिफरेंशिएट करेंगे और जो लिमिट है उसको यूज कर लेंगे. तो यहाँ तक नोट करिए, फिर हम एच हॉस्पिटल रूल से साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. और ये तो हमें पता लगी गया कि प्रिंसिपल मैक्सिमा हमें कब मिलेगा, जब बीटा इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई होगा, वेयर एन इक्वल टू जीरो वन टू थ्री. इसका मतलब ये है, सिंगल स्लिट में हमें एक प्रिंसिपल मैक्सिमा मिलता था, डबल स्लिट में हमें एक प्रिंसिपल मैक्सिमा मिलता था, बट एन स्लिट में हमें कैपिटल एन एन मतलब स्मॉल एन इंटू कैपिटल एन मिलते हैं पैटर्न, है ना. डिपेंड करेगा स्लिट्स पे कितनी लाइंस हैं. तो मतलब हमें जीरो ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा भी मिलेगा, फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा भी मिलेगा और सेकंड ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा भी मिलेगा. डिपेंड करता है कि ग्रेटिंग्स लाइंस कितनी ड्रॉ की गई हैं, कितने एरिए में, है ना, उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर्स इंक्रीज होते जाएंगे. लेकिन मतलब ये है कि वहाँ पे सिर्फ हमें प्रिंसिपल मैक्सिमा एक मिल रहा था जीरो ऑर्डर का, यहाँ पे हमें और भी प्रिंसिपल मैक्सिमा मिल रहे हैं. इसको लिखिए, और ये जो है ए आई प्लस ई एस प्लस ई आई एन एल अलग है. हम क्या करेंगे, एच हॉस्पिटल रूल से साइन एन बीटा अपॉन बीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं. तो इसके लिए क्या किया हमने, इसको डिफरेंशिएट कर दिया डी बीटा के रिस्पेक्ट में. तो लिमिट बीटा टेंस टू प्लस माइनस एन पाई साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा इक्वल टू लिमिट बीटा टेंस टू प्लस माइनस एन पाई डी बाय डी बीटा साइन एन बीटा अपॉन डी बाय डी बीटा साइन बीटा. तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट बीटा टेंस टू प्लस माइनस एन पाई एन कॉस एन बीटा अपॉन कॉस बीटा. अब यहाँ पे बीटा की वैल्यू रख देंगे, ठीक है, यहाँ पे ऐसी लिख देती हूँ, कॉस कैपिटल एन और बीटा की जगह हम एन पाई. तो क्या है हमारा, एन भी नंबर है और स्मॉल एन भी नंबर है, दोनों नंबर है, तो दोनों का मल्टीप्लाई होके भी नंबर ही आएगा और नेचुरल नंबर आएगा, वन टू थ्री कुछ ऐसे ही, है ना. मान लीजिए स्मॉल एन मेरा वन है, कैपिटल एन मेरी थ्री स्लिट्स है, तो इनका मल्टीप्ली थ्री पाई आएगा, ठीक है. स्मॉल एन मेरा जीरो है, कैपिटल एन थ्री है, तो जीरो हो जाएगा. तो इसका मल्टीपल हमेशा हमें वैल्यू पाई के मल्टीपल मिलेगी, तो वैल्यू वन मिलेगी, वन या माइनस वन. अब उसका भी इंटेंसिटी में हम स्क्वायर लेते हैं, तो इसलिए हमेशा एन स्क्वायर हो जाएगा. अगर ये माइनस भी आएगा, ठीक है, यहाँ से ये वैल्यू माइनस भी दे रहा है, तो नीचे भी बीटा ही है, तो कैंसिल आउट होके माइनस हो जाएगा. माइनस सपोज तब भी माइनस आ रहा है किसी वजह से, ऐसा कुछ हुआ तो भी इसका स्क्वायर होना है, तो इंटेंसिटी में तो एन स्क्वायर हो जाएगा. तो इसलिए इसकी जो वैल्यू है वो हमारी एन आएगी, तो इंटेंसिटी हो जाएगी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर एन स्क्वायर. ये हमारे प्रिंसिपल मैक्सिमा की इंटेंसिटी है. अब कंडीशन देख लेते हैं, कंडीशन क्या थी, साइन बीटा इक्वल टू जीरो और बीटा इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई वेयर एन इक्वल टू जीरो वन टू थ्री. तो बीटा की वैल्यू रख दी पाई अपॉन लामडा ई प्लस डी साइन थीटा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो यहाँ से आ गया हमारा e प्लस डी साइन थीटा प्लस माइनस एन लैमडा वेयर एन इक्वल टू जीरो वन टू थ्री. एन इक्वल टू जीरो जब रखेंगे तो थीटा इक्वल टू जीरो मिलेगा,
जीरो पे मैक्सिमा मिलेगा, मतलब सेंटर वाला जो प्रिंसिपल मैक्सिमा है, जीरो ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा, एन इक्वल टू वन फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा, ऐसे करके हम बाकी मैक्सिमा की कंडीशंस ऑब्टेन कर सकते हैं. तो इफ वी पुट एन इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन सिक्स, वी गेट थीटा इक्वल टू जीरो, एंड इक्वेशन सिक्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा. फर्स्ट एंड सेकेंड थर्ड ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा मे बी ऑब्टेन बाय पुटिंग एन इक्वल टू वन टू थ्री इन इक्वेशन सिक्स. यहाँ तक नोट करिए इसको. और फंक्शन x की पावर n माइनस 1 इनटू 1 माइनस x होल की पावर n माइनस 1 दी गई है. इट इज कॉल्ड द थीटा फंक्शन एंड इट इज डिफाइंड बाय Rn की इंक्रीमेंट. और हम सबको कुछ और की इक्वेशन बाय Rn से मतलब थीटा, इससे मतलब क्या है और थीटा थीटा Rn के नहीं गया चलिए तो नेक्स्ट करते हैं. अब हम क्या कर रहे हैं, पोजीशन ऑफ मिनिमा. तो इंटेंसिटी इज मिनिमम व्हेन साइन एन बीटा इक्वल टू जीरो. साइन एन बीटा तो जीरो हो बट साइन बीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि साइन एन बीटा जीरो जाएगा तो पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा मिल जाएगी हमें, ठीक है. देयरफॉर एन बीटा इक्वल टू प्लस माइनस एम पाई, और बीटा की वैल्यू रख दी पाई अपॉन लैम्डा ई साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एम पाई, पाई से पाई कैंसिल आ गया, ये हमारे मिनिमा की कंडीशन आ गई कि n e plus d sin theta equal to plus minus m pi. अब m की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती हैं वो देखना पड़ेगा, है ना. तो मैंने यहाँ पे इसलिए साइड में प्रिंसिपल मैक्सिमा की कंडीशन भी दे रखी है. तो e plus d sin theta equal to plus minus n lambda हमारा प्रिंसिपल मैक्सिमा की कंडीशन थी, जहां पर n इक्वल टू हमारा 0 1 2 3 था. अब यहां पर m क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है वो हम देख लेते हैं, है ना. सबसे पहले बात करते हैं m इक्वल टू 0. m इक्वल टू मैंने अगर 0 रखा, ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ 0 रखा ये टर्म इधर चली गई, ये कंडीशन बन जाएगी e प्लस टी साइन थीटा इक्वल टू 0. m इक्वल टू जीरो रखते ही, अब यहाँ पर देखिए जब n इक्वल टू जीरो रखूंगी तो ये मेरा कंडीशन बन जाएगा e प्लस डी साइन थीटा इक्वल टू 0. दोनों कंडीशन सेम है, ठीक है. तो उसका मतलब m जो है 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि m इक्वल टू 0 रखते ही प्रिंसिपल मैक्सिमा 0 ऑर्डर का मिल रहा है. फिर m इक्वल टू 1 रख के देखेंगे, m इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा प्लस माइनस 1 लैम्डा, और ये वाला n इधर नीचे आ जाएगा तो लैम्डा अपॉन n. यहाँ n इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस लैम्डा, दोनों चेंज है. यहाँ पे प्लस माइनस लैम्डा है, यहाँ पे लैम्डा अपॉन n लैम्डा है, ठीक है. तो ये मैच करेगा, कोई दिक्कत नहीं है. 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, सो ऑन. कितने हो सकते हैं, अब इसको यहाँ पे मैं एक फिगर और बना रही हूँ समझाने के लिए. ये सब नहीं बनानी है फिगर, है ना. ये मेरा जीरो ऑर्डर का प्रिंसिपल मैक्सिमा है, ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर का प्रिंसिपल मैक्सिमा है, ठीक है. अब इनके बीच में कितने मिनिमा होंगे, फर्स्ट हो सकता है, सेकंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है. देखिए सब वैल्यूज रख के देखिए, तो यहाँ पे 1 2 3 ऐसे ही आता जाएगा, लेकिन यही ऑर्डर चलते जाएंगे. कब तक चलेगा, n माइनस 1 तक. जैसे ही मैं इसको n रखूंगी, मैंने m की जगह n रखा, तो यहाँ मैंने m की जगह n रखा तो n अपॉन n हो जाएगा कैंसिल,
तो ये प्लस माइनस लैम्डा हो गया, प्लस माइनस लैम्डा हो गया, यहाँ पर भी प्लस माइनस लैम्डा है फर्स्ट ऑर्डर, माने यहाँ पे आ गया वो मिनिमा, तो यानी वो मिनिमा इस प्रिंसिपल मैक्सिमा पे ओवरलैप हो गया, तो यानी वो मिनिमा हो ही नहीं सकता, तो एम एन नहीं हो सकता। तो जीरो ऑर्डर से फर्स्ट ऑर्डर के बीच में हमारे पास एन माइनस वन मिनिमा होंगे। अब मिनिमा है तो यानी कोई मैक्सिमा तो होगा, तो कौन सा मैक्सिमा होगा? सेकेंडरी मैक्सिमा। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 सपोज 7 है, 7 मतलब n माइनस 1 हमारा 7 है, तो 7 है मिनिमा, तो सेकेंडरी मैक्सिमा कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, इससे एक कम, इससे एक कम का मतलब n माइनस 2। तो जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के बीच में अगर n माइनस 1 मिनिमा है तो n माइनस 2 हमारे सेकेंडरी मैक्सिमा होंगे। और m की वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है? m की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, n माइनस 1 हो सकती है, n नहीं हो सकती। फिर n के बाद कौन सी वैल्यू आएगी? n प्लस 1, n प्लस 1 हो सकती है, सेम यही चलेगा, कब तक चलेगा? 2n माइनस 1 तक। जैसे ही मैं 2n रखूंगी यहाँ पे, सेकेंड ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा से मैच कर जाएगा। ठीक है, तो मतलब m जो है 0 नहीं ले सकता, n नहीं ले सकता, 2n नहीं ले सकता, 3n नहीं ले सकता, मतलब n के मल्टीपल नंबर को नहीं ले सकता, क्योंकि वो प्रिंसिपल मैक्सिमा की कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा उस केस में। ठीक है, तो मैं इसको क्लियर कर रही हूँ, ये सब समझाने के लिए था, तो यहाँ पे फिर लिखना स्टार्ट करते हैं। Here m can have all integer values except 0 and 2n, 3n because all these values of m sin beta equal to 0 which gives the position of principal maxima. It is clear from the equation 6. If m equal to 0, we get 0 order principal maxima. M equal to 1, 2, 3 and n minus 1 gives the minima governed by equation 7. Then m equal to n, we get principal maxima of first order. Thus, there is n minus 1 minima between two successive principal maxima. तो यहाँ तक नोट करिए। मैम यही तो कराया था मैम, यही तक कराया था ना। चलिए ठीक है, पोजीशन ऑफ मिनिमा करा, ठीक है पोजीशन ऑफ मिनिमा करा दिया था ना, तो थोड़ा सा इसके बारे में एक बार बता देती हूँ, फिर से स्टार्ट कर, मतलब फिर इसके आगे करते हैं। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ मिनिमा में मैंने क्या बताया था आपको कि हमें जीरो ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा मिलता है और हमें फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा मिलता है ना, और दोनों साइड ही मिलेगा। ठीक है, ये हमारा जीरो ऑर्डर है, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर है प्रिंसिपल मैक्सिमा का। तो हम क्या कह रहे हैं, इसमें हमें n माइनस 1 मिनिमा मिलते हैं इसके बीच में। ठीक है, हमें कितने मिनिमा मिल रहे हैं? n माइनस 1 मिनिमा मिल रहे हैं दो प्रिंसिपल मैक्सिमा के बीच में। मिनिमा कब मिलेंगे? जब हमें कुछ मैक्सिमा मिलेंगे तो हमें सेकेंडरी मैक्सिमा मिलते हैं। तो कितने सेकेंडरी मैक्सिमा मिलते हैं? 1 2 3 4 5। अगर हमें 5 मिनिमा मिल रहे हैं तो 1 2 3 4 हमें सेकेंडरी मैक्सिमा मिल रहे हैं। तो अगर n माइनस 1 मिनिमा मिल रहे हैं तो मतलब n माइनस 2 हमें सेकेंडरी मैक्सिमा मिल रहे हैं। ठीक है, दो प्रिंसिपल मैक्सिमा के बीच में। तो n माइनस 2 सेकेंडरी मैक्सिमा को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो इंटेंसिटी है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू बीटा। हमने क्या किया था, सिंगल स्लिट में सेकेंडरी मैक्सिमा को कैलकुलेट करने के लिए हमने डिफरेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। अब एन ग्रेटिंग में या डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग में हम क्या कर रहे हैं, सेकेंडरी मैक्सिमा को कैलकुलेट करने के लिए इंटेंसिटी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू बीटा। तो क्या बोल रहे हैं, द अबव स्टडी रिवील्स दैट सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए
The above study reveals that there are n minus 1 minima between two successive principal maxima. Hence, there are n minus 2 other maxima coming alternatively within minima between two successive principal maxima. These maxima are called secondary maxima. For secondary maxima, di upon d beta. I ki value rakh di a square sin square alpha upon alpha square sin square n beta upon sin square beta. Ye wali term humari constant ki tarah treat hogi, isme koi beta nahi hai. To sin square n beta upon sin square beta ko differentiate kar denge. To same jaise humne sin square alpha upon alpha square ko differentiate kiya tha, waise isko differentiate karenge. To differentiate karoge isko to aayega 2 sin n beta upon beta. Fir iska differentiation n cos n beta sin beta aise hi माइनस फिर साइन एन बीटा ऐसे ही कॉस बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा. या तो ये जीरो होगा सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए या ये जीरो होगा. ये जीरो नहीं होगा क्योंकि हमें प्रिंसिपल मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन दे चुका है. तो सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए हमारी ये टर्म जीरो होगी. मतलब एन कॉस एन बीटा साइन बीटा माइनस साइन एन बीटा कॉस बीटा इक्वल टू जीरो. तो यहाँ से हमारा आ जाएगा टेन एन बीटा इक्वल टू एन टेन बीटा. तो हमारे पास सेकेंडरी मैक्सिमा की कंडीशन आ गई है. अब हमें क्या करना है, सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है इसको यूज करते हुए. ठीक है, टेन एन बीटा इक्वल टू एन टेन बीटा से हमें सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है. और अगर इंटेंसिटी का आपको एक्सप्रेशन याद हो तो हमारा एक्सप्रेशन था ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वेयर बीटा. तो देखा जाए हम इस पूरे की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारी सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी आ जाएगी. तो इससे हम क्या करेंगे, टेन एन बीटा से हम साइन एन बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे. तो ट्रायंगल ड्रॉ करके साइन एन बीटा की वैल्यू पुट करके सेकेंडरी मैक्सिमा कैलकुलेट कर लेंगे. प्रिंसिपल मैक्सिमा हम ऑलरेडी साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू रख के कैलकुलेट कर चुके हैं. प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए ये वैल्यू थी हमारी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वेयर एन स्क्वेयर. तो ये वाली वैल्यू प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए ये थी, है ना. अब सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए ये वैल्यू कितनी है वो और निकालनी है हमें. ये नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर करना स्टार्ट करते हैं. हो गया मैम, पक्का हो गया. ठीक है, जिसका हो गया है वो क्या करिए, है ना, tan n बीटा को ट्रायंगल में प्लॉट करिए. तो tan n बीटा क्या होता है हमारा, tan n बीटा होता है n tan बीटा अपॉन n. तो अगर इसको हम ट्रायंगल में प्लॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर साइड n tan बीटा अपॉन वन और इधर वाला जो साइड है वो हमारा जाएगा अंडर रूट वन प्लस एन स्क्वायर टेन स्क्वायर बीटा. ठीक है, तो अब ये वाला एंगल है हमारा एन बीटा. तो यहाँ से साइन एन बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन टेन बीटा अपॉन अंडर रूट वन प्लस एन स्क्वायर टेन स्क्वायर बीटा. तो साइन एन बीटा की वैल्यू आ गई, तो साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा निकाल लेंगे और ये वैल्यू इंटेंसिटी में पुट कर देंगे. तो साइन एन बीटा की वैल्यू है एन टेन बीटा अपॉन अंडर रूट वन प्लस एन स्क्वायर टेन स्क्वायर बीटा. साइन बीटा ही होगा, है ना. तो वैल्यू फिर इसकी किस में रखेंगे, इक्वेशन जो इंटेंसिटी वाली है. मुझे याद नहीं कि फाइव थी कि सिक्स थी आपकी इंटेंसिटी वाली इक्वेशन. हो गया, हो गया, सबका हो गया. हाँ, इसमें तो वैसे भी कमी था कंटेंट. ठीक है, तो साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एन बीटा की वैल्यू रख दी एन स्क्वायर टेन स्क्वायर बीटा अपॉन वन प्लस एन स्क्वायर टेन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बीटा ही रहा. ठीक है, अब ये वैल्यू हमने इक्वेशन फोर थी, देख लीजिए फोर है कि वहां पे मैंने कौन सी रख रखी है जो इंटेंसिटी वाली है हमारी. ये वाली इक्वेशन है आई इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा. ये कौन सी इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर फोर ही है. यस मैम, इक्वेशन फोर. ठीक है, हाँ, तो इस फोर के अंदर हमने क्या किया, इस पूरे की वैल्यू रख दी. तो ये आया हमारा एन स्क्वायर टेन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा वन प्लस एन स्क्वायर टेन स्क्वायर बीटा. अब क्या करना है आपके ऊपर है, इसको कितना सिंप्लीफाई. हमारी इंटेंसिटी आ चुकी है और इंटेंसिटी यहाँ पे दिख भी रही है कि एन स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल
है ना, यहाँ पे नीचे भी आ रहा है एन स्क्वायर, तो इसको और सिंपलीफाई करते चले जाते हैं बस। इसको क्या करेंगे, यहाँ पे टेन की जगह साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर बीटा अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा से साइन स्क्वायर बीटा कैंसिल हो गया, ये कॉस स्क्वायर बीटा नीचे चला जाएगा, फिर इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको कॉस स्क्वायर बीटा को, तो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा टेन स्क्वायर बीटा, टेन स्क्वायर बीटा को फिर यहाँ पे साइन अपॉन कॉस लिख लेंगे और कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ तक नोट करिए, तो उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में मतलब इसको सिंप्लीफाई करते जाना है। फिर चाहे तो क्या है, कॉस स्क्वायर बीटा को साइन स्क्वायर बीटा की टर्म्स में हम लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी ये साइन की टर्म्स में ही है, ठीक है, तो इसको और साइन की टर्म्स में बना लेंगे। फिर क्या करेंगे, सेकेंडरी मैक्सिमा आ गया, प्रिंसिपल मैक्सिमा हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके, प्रिंसिपल मैक्सिमा कितना कैलकुलेट किया था, आई हमारा आ गया था वहाँ पे प्रिंसिपल मैक्सिमा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, तो इन दोनों का रेशो निकाल लेंगे, जो सेकेंडरी मैक्सिमा है और जो प्रिंसिपल मैक्सिमा, इन दोनों का रेशो निकाल लेंगे, तो देखेंगे कि जो प्रिंसिपल मैक्सिमा के कंपैरिजन में सेकेंडरी मैक्सिमा है उसकी वैल्यू कम होती है और वो एन पे डिपेंड करती है, जितनी ज्यादा स्लिट्स होंगी उतनी ही सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी कम होगी इन कंपेरिजन टू प्रिंसिपल मैक्सिमा। साइन स्क्वायर बीटा दोनों तरफ कैंसिल कर दिया, टेन स्क्वायर बीटा को हमने साइन स्क्वायर बीटा अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा, इसके बाद मैम, इसके बाद ऊपर जो लिखा हुआ आपने रेड पेन से जो लिखा है, अच्छा रेड पेन से तो समझाने के लिए था कि हमने इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन क्या है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा, और प्रिंसिपल मैक्सिमा में इसकी वैल्यू जो थी, जो हमने साइन वाली टर्म है ये हमारी एन स्क्वायर आई थी, और यहाँ के केस में अब हम सॉल्व कर रहे हैं इस वाली टर्म को, तो ये लिखना नहीं है, तो समझाने के लिए था, ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। लिखना सिर्फ यही है जो टाइप हुआ हुआ है, तो आप क्या करेंगे, इस कॉस स्क्वायर बीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर टैन को भी साइन अपॉन कॉस लेके कॉस बीटा को कॉस बीटा से कैंसिल कर दीजिए, मतलब इसको सिंपलीफाई करते जाना है और कुछ नहीं है। कर लिया यहाँ तक? यस मैम। चलिए तो आप क्या करा, कॉस स्क्वायर बीटा को अंदर मल्टीप्लाई किया, टैन को साइन अपॉन कॉस लिखा और कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो ये हमारा सेकेंडरी मैक्सिमा आया, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। इस कॉस स्क्वायर बीटा को भी हम 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, इन दोनों टर्म में से हम साइन स्क्वायर बीटा कॉमन ले लेंगे, है ना, तो सेकेंडरी मैक्सिमा हो गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर एन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा कॉमन ले रहे हैं, सेकेंडरी मैक्सिमा हो गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर एन स्क्वायर 1, ऐसे इसमें से साइन स्क्वायर बीटा कॉमन ले लिया, तो एन स्क्वायर माइनस 1 साइन स्क्वायर बीटा, तो ये हमारा सेकेंडरी मैक्सिमा आ गया। प्रिंसिपल मैक्सिमा ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके, ये वाली टर्म तो उसमें थी, सिर्फ ये एन स्क्वायर था वहां पे, है ना, तो इन दोनों का रेशियो ले लेंगे, तो सेकेंडरी मैक्सिमा अपॉन प्रिंसिपल मैक्सिमा, तो क्या देख रहे हैं, ये जो सेकेंडरी मैक्सिमा है एन स्क्वायर तो वहां पे भी था प्रिंसिपल मैक्सिमम में, लेकिन यहाँ पे सफिक्स में भी एन स्क्वायर आ रहा है, तो मतलब जैसे जैसे हम नंबर ऑफ स्लिट एन इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे सेकेंडरी मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी है वो कम होती जा रही है इन कंपैरिजन टू प्रिंसिपल मैक्सिमा, और एक टाइम पे अगर एन स्लिट्स इतनी ज्यादा लार्ज हो जाती हैं तो उस केस में सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो हो जाती है और हम उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, या कह लीजिए वो ऑब्जर्व ही नहीं होती है, जब हम स्पेक्ट्रा देखते हैं हमें सिर्फ प्रिंसिपल मैक्सिमा ही दिखाई देते हैं। दिस इंडिकेट द इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस 1 साइन स्क्वायर बीटा, वेयर द इंटेंसिटी ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए, उसके बाद फिर ग्राफ और बना लेते हैं। ये चीज लिख नहीं रहे हैं, n जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी कम हो रही है और वो नेगलेक्ट हो जाती है, तो ग्राफ में दिखा देंगे वो चीज, चेंज कर दूं स्लाइड। यस मैम। चलिए ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, कर्व प्लॉट कर रहे हैं तीनों का, तीन मतलब कंबाइंड इफेक्ट सिंगल स्लिट और एन स्लिट, तो ये हमारा जो फर्स्ट है ए ग्राफ साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर का है जिसमें सिर्फ प्रिंसिपल मैक्सिमा दिखा रहा है, फिर सेकंड ग्राफ हमारा साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा का है जिसमें जीरो ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा दिखा रखा है,
फिर इन दोनों को मिक्स्ड होके हमें स्क्रीन पे कैसा ग्राफ दिखता, मतलब इंटेंसिटी दिखती है वो दिखा रखी है। तो जीरो ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा की इंटेंसिटी ज्यादा होती है और फर्स्ट ऑर्डर की जो प्रिंसिपल मैक्सिमा की इंटेंसिटी कम होती है वो इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से है ना। और जो हमारी सेकेंडरी मैक्सिमा है उनकी इंटेंसिटी इनके कंपैरिजन में काफी कम होती है जो स्क्रीन पे या हमारे को स्लिट्स में नहीं दिखाई देती है। ये बना लीजिए, उसके बाद फिर हम मल्टीपल स्पेक्ट्रा करते हैं फॉर्मेशन। यहाँ पे हमारा जो ग्रेटिंग है वो कंप्लीट होता है ना। तो अगर ग्रेटिंग आता है डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग तो यहाँ तक आपको करके आना है ग्राफ तक। इसके बाद जो मैं करा रही हूँ फॉर्मेशन है लैब में, किस तरीके से हम जब लैब में स्पेक्ट्रा देखते हैं हमें अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं तो क्यों दिखाई देते हैं वो डिस्कशन है, और है ना कैसे दिखता है स्पेक्ट्रा ग्रेटिंग के अंदर, तो वो है। समझिए फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल स्पेक्ट्रा बाय ग्रेटिंग, ये नेक्स्ट हेडिंग है। ठीक है, क्वेश्चन नहीं है क्योंकि ये सच डिटेल में नहीं आता है लॉन्ग क्वेश्चन में, ये सिर्फ समझने का और एक्सपेरिमेंट में यूज होता है। प्लस अगर आएगा तो शॉर्ट क्वेश्चन ही आ सकता है कि क्यों फॉर्मेशन होता है मल्टीपल स्पेक्ट्रा ग्रेटिंग में। तो पहले समझ लेते हैं उसके बाद फिर लिखेंगे। तो ग्रेटिंग क्या है, हमारी एन स्लिट्स है। ठीक है, चाहे तो ऐसे डैशेज लाइन बना दीजिए या पूरी लाइन दिखा दीजिए क्योंकि नेक टाई से तो हमें ग्रेटिंग ऐसी ही दिखाई देती है। इस पे हमने व्हाइट लाइट इंसिडेंट की, मैक्सिमा की कंडीशन ग्रेटिंग में क्या होती है, ई प्लस डी साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्डा। ठीक है, और साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्डा अपॉन ई प्लस डी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो थीटा है यानी डिफ्रैक्शन एंगल किस पे डिपेंड कर रहा है, या तो ऑर्डर पे या वेवलेंथ पे, क्योंकि ई प्लस डी की जो वैल्यू है वो क्या है, वो तो कॉन्स्टेंट है जो भी हम ग्रेटिंग यूज कर रहे हैं। एक बार जिस जो स्लिट विड्थ होगी और जो उनके बीच की डिस्टेंस है वो तो कांस्टेंट रहेगी। तो जो हमारा ये थीटा है किस पे डिपेंड करेगा, एन पे और लैम्डा पे। एन इक्वल टू जीरो के लिए साइन थीटा जीरो, मतलब साइन जीरो या ये कह लीजिए जीरो, और थीटा इक्वल टू जीरो आ गया। तो मतलब जीरो ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करता, सारी लाइट हमें एक साथ दिखाई देती है, और जीरो ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा हमें वाइट दिखाई देता है। ये कौन सा है, जीरो ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा। ठीक है, अब बात करते हैं n इक्वल टू वन के लिए। n इक्वल टू वन के लिए साइन थीटा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस लैम्डा अपॉन ई प्लस डी। ठीक है, तो मतलब हमारा जो थीटा है डिफ्रेक्शन एंगल लैम्डा पे डिपेंड करेगा। जैसे जैसे वेवलेंथ चेंज होगी वैसे वैसे थीटा चेंज होगा। सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है रेड कलर की, सबसे कम होती है वॉयलेट कलर की, इसलिए एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन रेड कलर का सबसे ज्यादा होगा और वॉयलेट के लिए जो एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन है सबसे कम होगा। मतलब फर्स्ट ऑर्डर में हमें सबसे पहले वॉयलेट कलर दिखेगा, फिर बाकी कलर दिखेंगे और सबसे लास्ट में हमें रेड कलर दिखेगा। ये हमारा होगा फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा। ऐसे ही हमें लेफ्ट साइड में मिलेगा वॉयलेट कलर और रेड कलर फर्स्ट ऑर्डर, है ना। खाली वॉयलेट और रेड नहीं मिल रहे, इनके बीच के कलर्स भी इसके बीच में होंगे फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा। एन इक्वल टू टू के लिए भी सेम हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, यानी एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन और इंक्रीज हो जाएगा। तो वॉयलेट कलर और रेड कलर सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, ऐसे इधर वॉयलेट रेड और सेकेंड ऑर्डर। अब कितने ऑर्डर हमें ग्रेटिंग में दिख रहे हैं वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्लिट्स में, है ना। कितनी स्लिट्स हैं, मतलब हमारा जो उसका ग्रेटिंग एलिमेंट है वो किस तरीके का है, कि हमें सिर्फ जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर दिख रहा है या जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर तीनों दिख रहे हैं या थर्ड ऑर्डर भी दिख रहा है, वो हमारा ग्रेटिंग एलिमेंट पे डिपेंड करेगा। लेकिन क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे वेवलेंथ चेंज हो रही है वैसे वैसे एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन चेंज हो रहा है। सबसे कम वेवलेंथ के लिए एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन ये थीटा दिखा रहे हैं, ये जो है हमारा यहाँ पे थीटा है, कितना थीटा है, ये वॉयलेट के लिए थीटा है, ये हमारा
रेट के लिए थीटा है, तो एंगल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग में क्या होता है, अगर हम व्हाइट लाइट यूज करते हैं, हमें फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के लिए स्पेक्ट्रा यानी कि कलर्स जो हैं अलग अलग होके दिखाई देते हैं, हमें बैंड्स दिखाई देते हैं। तो ये फिगर बना लीजिए, और ये कंडीशन नहीं लिखिएगा, ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना लिख सकते हैं, एज वी नो लैम्डा रेड इज ग्रेटर देन लैम्डा वायलेट देयरफॉर, और फिर लैंग्वेज लिख लेते हैं थोड़ी सी। लैम्डा रेड ग्रेटर देन लैम्डा वी देयरफॉर थीटा रेड इज ग्रेटर देन थीटा वायलेट, फिर इसको लैंग्वेज में थोड़ा सा लिख के इसको कंप्लीट करते हैं, और फिर मैं दो तीन फिगर दिखाऊंगी कि किस तरीके का स्पेक्ट्रा आपको लैब के अंदर दिखाई देता है, ठीक है। जो वॉयलेट वाला है उसको थीटा वी से दिखाया है, जो रेड वाला है उसको थीटा आर से दिखाया है। फैन अ बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा falls falls normally on a grating, the principal maxima are formed in the direction given by E plus T sine theta equal to plus minus n lambda, where n equal to 0, 1, 2, and so on. This shows that for a given order, n the angle of diffraction varies with wavelength. The greater angle of diffraction varies with wavelength. The longer is wavelength, the longer the wavelength, longer the wavelength, the greater is the angle of diffraction. Greater
is the angle of diffraction. And if incident light be white, incident, hence if incident light be white, then each order will contain principal maxima of different wavelength ठीक है, इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है. क्या कहा कि ग्रेटिंग के अंदर क्या होता है कि जीरो ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा हमें व्हाइट लाइट मिलती है, क्योंकि सबका जो डिफ्रेक्शन एंगल है वो जीरो होता है. ठीक है, एन इक्वल टू जीरो करते ही थीटा जीरो जाता है, तो सारी की सारी लाइट हमें सेंटर में दिखाई देती है, व्हाइट लाइट. फिर एन इक्वल टू वन रखते ही क्या देखते हैं कि हमारा जो थीटा है वो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, और जैसे जैसे वेवलेंथ चेंज होती है वैसे वैसे हमें जो कलर्स हैं वो हमें अलग दिखाई देते हैं. तो अभी मैं एक स्पेक्ट्रा जो है के बाद एक शो करूंगी कि किस तरीके से हमको जब हम डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं ग्रेटिंग के अंदर किस तरीके से हमें कलर्स अलग अलग दिखाई देते हैं. तो जब ये नोट कर लें तो बताइएगा, फिर नेक्स्ट स्लाइड से वो स्पेक्ट्रा देखेंगे. तो थीटा किस पे डिपेंड कर रहा है, एन और लैम्डा पे. तो जीरो ऑर्डर के लिए थीटा जीरो है, तो सेंटर में जब से देखेंगे तो हमें व्हाइट लाइट ही दिखाई देगी. जैसे जैसे एंगल चेंज करेंगे वैसे वैसे हमें कलर्स अलग होके दिखाई देंगे. ये कर लें तो बताइएगा, फिर इसको नेक्स्ट स्लाइड करती हूँ तो समझ में आएगा कैसे करते हैं. चलिए तो देखिए, यहाँ पे मैंने ग्रेटिंग स्पेक्ट्रा दे रखा है. जो ऊपर वाला स्पेक्ट्रा है ये हमारा, कि अगर हमने एक ही कलर को यूज किया है तो हमें, अगर हम सेंटर से देख रहे हैं तो भी यही कलर दिखाई दे रहा है, फिर हम अपने स्पेक्ट्रोस्कोप को रोटेट कर रहे हैं तो भी हमें प्रिंसिपल मैक्सिमा दिखाई दे रहे हैं इसी कलर के, लेकिन इंटेंसिटी कम होती जा रही है. और बीच में देखिए हमें हल्की हल्की ग्रीन लाइट भी दिख रही है, वो हमारी सेकेंडरी मैक्सिमा है जिसकी इंटेंसिटी इसके कंपैरिजन में काफी कम है. जो इससे नीचे वाला स्पेक्ट्रा है ये हमारा व्हाइट लाइट अगर हम यूज कर रहे हैं तो है, अगर हम सेंटर से देख रहे हैं स्पेक्ट्रोस्कोप से तो हमें व्हाइट लाइट दिखाई दे रही है, अगर हम स्पेक्ट्रोस्कोप को लेफ्ट साइड रोटेट कर रहे हैं तो हमें कलर सेपरेट होकर दिखाई दे रहे हैं. तो सबसे पहले जब हमें दिखाई देगा फर्स्ट ऑर्डर दिखाई देगा, सबसे पहले वॉयलेट दिखाई देगा, फिर इससे चलते चलते हमें लास्ट में रेड दिखाई देगा, फिर इसको और लेफ्ट में ले जाएंगे तो फिर यही ऑर्डर दिखाई देगा. लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे थोड़ी ओवरलैपिंग है, बीच में इस जगह क्या होगा, आपको बैंड्स बिल्कुल अलग अलग क्लियर दिखाई देंगे कि ये हमारा वॉयलेट का बैंड है, ये हमारा रेड का बैंड है, ये बीच में येलो का बैंड है. आपको ये बैंड्स बिल्कुल अलग अलग दिखाई देती हैं स्ट्रिप्स, है ना, जब हम लेफ्ट साइड जाते हैं और जैसे ही हम यहाँ पे राइट साइड जाते हैं फर्स्ट ऑर्डर हमें बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है, इसके बाद जब हम सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर पे जाते हैं तो ये थोड़े एक दूसरे के और क्लोज आ जाते हैं. तो ये हमारा ग्रेटिंग एलिमेंट पे डिपेंड करता है कि हमें सेकेंड ऑर्डर भी क्लियर दिखाए, थर्ड ऑर्डर भी क्लियर दिखाए, या सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर तक क्लियर दिखाए, है ना, वो ग्रेटिंग एलिमेंट पे डिपेंड करेगा हमारा. फिर नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पे वेवलेंथ की उसमें दिखा रखा है कि सेंटर में हमें व्हाइट है, फिर रेनबो कलर हमें वही दिखाई दे रहा है, और फिर ये हमारी ओवरलैपिंग है. लैब में एक्सपेरिमेंट कैसे होता है, लैब में एक्सपेरिमेंट ऐसे होता है हमारा, ठीक है.
क्या है, ये हमारा सोर्स है जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है, इसके आगे हमारा स्पेक्ट्रोस्कोप है, स्पेक्ट्रोस्कोप में यहाँ आईपीस लगी है जिससे आप यहाँ पे ग्रेटिंग रख लेते हैं, है ना, इस जगह हम यहाँ पे ग्रेटिंग रख लेते हैं और इस आई यहाँ पे जो आईपीस लगी है उसमें से हम ग्रेटिंग को ऑब्जर्व करते हैं। और ये जो हमारा है इसको हम इधर राइट साइड भी रोटेट कर सकते हैं और इसको हम लेफ्ट साइड भी रोटेट कर सकते हैं। लाइट ग्रेटिंग पे यहाँ पे नॉर्मली फॉल हो रही है तो हमारी जो कंडीशन होती है मैक्सिमा की वो कंडीशन है ई प्लस डी साइन थीटा इक्वल टू एल लैम्डा और लैम्डा इक्वल टू ई प्लस डी साइन थीटा इक्वल अपॉन एन। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे जीरो रखते तो थीटा जीरो है तो जब हम इसको बीच में से देखेंगे, इसको बिल्कुल सेंटर में बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे तो उस टाइम हमें यहाँ बीच में एक वाइट स्ट्रिप दिखाई देगी। ठीक है, फिर अगर इसको हम यहाँ लेफ्ट साइड लेके जाते हैं तो हमें कलर्स अलग अलग होके दिखाई देते हैं। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे तो लैम्डा कैलकुलेट करना है और लैम्डा है हमारा ई प्लस डी साइन थीटा। तो E प्लस डी ग्रेटिंग एलिमेंट की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होती है, स्लिट पे लिखी होती है तो हर स्लिट पे वैल्यू लिखी होती है, जैसे लैब में जो स्लिट है उस पे लिखा है 15,000 लाइंस पर इंच। ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट है। अब लैम्डा किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, वेवलेंथ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, थीटा कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारा ये स्पेक्ट्रोस्कोप है, यहाँ पे एक स्केल होगा वी वन और ऐसे ही सेम जैसा स्केल यहाँ पर ये है ऐसा स्केल यहाँ पे वी टू होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक बार इसको लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, वी वन वी टू की रीडिंग नोट कर लेंगे, फिर ऐसे इसको राइट साइड में लाएंगे, वी वन वी टू की वैल्यू नोट कर लेंगे। तो हम उस टेबल से थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं, थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करें, थीटा वैल्यू कैलकुलेट करेंगे लैम्डा आ जाएगा। तो क्या करते हैं, ऐसे क्रॉस वायर होता है जो हमारी आई पीस है उसमें इस वायर को हम कलर पे फिक्स कर लेते हैं। जैसे मुझे रेड की वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है तो मैं इस वायर को रेड जो स्पेक्ट्रा हमें दिख रहा है इसके अंदर, है ना, हमें कलर्स जो हैं सेपरेट होके दिखाई देते हैं, सारे कलर्स अलग अलग होके दिखाई देते हैं, तो जो रेड हमें कलर दिख रहा है उस रेड कलर पे इसको फिक्स कर लूंगी। ठीक है, फिर वी वन वी टू नोट कर लूंगी लेफ्ट साइड में, ऐसे ही फिर राइट साइड में आके वी वन वी टू नोट करूंगी, रेड पे इसको फिक्स करूंगी क्योंकि रेड की वेवलेंथ निकालनी है, फिर वी वन वी टू कैलकुलेट कर लूंगी और उसको सॉल्व करके थीटा कैलकुलेट कर लूंगी। उस थीटा की वैल्यू यहाँ पे रखूंगी तो मेरी रेड की वेवलेंथ आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, तीन कलर या टू कलर्स के लिए वेवलेंथ कैलकुलेट कराते हैं, वॉयलेट रेड येलो या ग्रीन। ठीक है, कोई से भी थ्री कलर चूज करते हैं वो आपके ऊपर होता है कि उन तीन कलर्स की आप वेवलेंथ कैलकुलेट करिए। तो क्या करिए, अपने जो हमारी आई पीस है उसको एक कलर पे फिक्स करके वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं ऑपरेटर से और फिर फॉर्मूले में वैल्यू रख के लैम्डा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वो आपकी ऑब्जर्व वैल्यू आ जाती है और एक्चुअल वैल्यू आपको वेवलेंथ की पता है, उनसे आप एरर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, तो अब ये हम बात करते हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा की। तो ये तो लैब के पर्पज से था, जो मल्टीपल स्पेक्ट्रा बताया था और जो एप्रेटस बता रही हूँ। ठीक है, अगर ग्रेटिंग आएगा तो वहीं ग्राफ तक प्लॉट करना है। अब कंडीशन फॉर मिसिंग और स्पेक्ट्रा या मिसिंग ऑर्डर, जैसा ये डबल स्लिट के अंदर है वैसा ही हमारा एन स्लिट के अंदर है। वहां पे क्या किया था हमने, इंटरफेरेंस के मैक्सिमा को डिफ्रेक्शन के मिनिमा पे ओवरलैप कराया था। तो सेम वैसे ही है कि मिनिमा की कंडीशन सिंगल स्लिट में क्या है, ई साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एम लैम्डा। ठीक है, मैक्सिमा की कंडीशन क्या है ग्रेटिंग में, ई प्लस डी साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्डा। ये दोनों कंडीशन अगर एक साथ साइमेंटेनियसली सेटिस्फाई कर रही हैं तो कुछ हमारे मैक्सिमा ग्रेटिंग के वो लॉस हो जाते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं, हमें ऑब्जर्व नहीं होते हैं। तो क्या करोगे आप, इन दोनों को ओवरलैप करा दोगे। तो इक्वेशन टू को इक्वेशन वन से डिवाइड करा और हमारा आ गया ई प्लस डी अपॉन ई इक्वल टू एन अपॉन एन, वहां पे भी सेम यही था। ठीक है, इसको हम एब्सेंट स्पेक्ट्रा की कंडीशन भी बोलते हैं। तो वहां पे हमने जो कैलकुलेट की थी सेम वही है, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो नेगलेक्ट हो जाती है। और ई प्लस डी वाला मैंने आपको कराया भी था कि अगर ई डी के बराबर हो तो एन इक्वल टू टू एम ऑर्डर मिस हो जाते हैं, अगर एम वन है तो सेकेंड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर सिक्स ऑर्डर मिस हो जाते हैं। तो ये मैंने वहां पे ड्रॉ करके भी आपको दिखाया था ना, कैसे दिखाया था कि ये
पल मैक्सिमा की कंडीशन है यहाँ पर से है ना, तो ये वाला जो ऑर्डर है हमारा क्योंकि ये इसके मिनिमा पे आएगा तो ये मिस हो जाता है।